हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैं अच्छे से नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। और अभी बस ध्रुव का फटाफट से टिफ़न बनाना है। और ध्रुव का मैं एक फ्रूट का और एक जैसे लंच बॉक्स होता है ना, चपाती या परांठा जो भी कुछ बनाना होता है, तो मैं वो भेजती हूँ। तो गाइस, आज सुबह से ब्लॉग करने का मेरा मेन मतलब रीज़न यही था कि मैं आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं कर पाती, बट शुरू मेरे ब्लॉग सुबह से ही होते हैं, तो आज मैं शुरू से ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये देखे, यहाँ पे प्लांट लगाए हुए हैं, इनको देख लीजिए आप लोग, भैया आए हुए हैं सुबह सुबह, ये देखिए। तो गाइज, आज यहाँ पे मैंने बनाए हैं ध्रुव के लंच बॉक्स में परांठे, यम्मी से। इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा डाला है, यानी चीनी डाली है, और थोड़ा सा मैंने डाला है बादाम जो मैंने पीस के रखा हुआ है ना। सिर्फ मैंने वो ध्रुव के लिए नहीं पीसा, हम तीनों ही लेते हैं दूध के लिए, दूध के अंदर। तो यहाँ पे मैंने बादाम और चीनी डाल के ध्रुव के लिए बना दी यम्मी से परांठे। और एक ये सिंपल परांठा बना दिया, ध्रुव दही के साथ खा के मतलब जाता है। तो यहाँ पे साथ साथ में दूध गर्म हो रखा है, और दूध मैं आज सुबह ही लेके आई थी क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो गई तो नहीं ला पाई। और अभी देखिए ध्रुव को उठाना है, तो रात को ना कम से कम एक एक बज जाते हैं। आजकल दो तीन दिन से इतना मतलब ख़राब रूटीन हो रहा है, और यहाँ इसके पापा सोए हुए हैं, तो बस मैं ही छोड़ने जाती हूँ, तो ये आराम से सोए रहते हैं सुबह सुबह। और यहाँ पर एक हमने कर दिया है फ्रूट वाला बॉक्स तैयार, तो ध्रुव को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है एप्पल, तो मैं ज़्यादातर इसके फ्रूट बॉक्स में एप्पल ही भेजती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे ध्रुव के ना लंच बॉक्स बहुत अच्छे पड़े हैं, और ये वाली जो बोतल है ना पानी वाली, ये थोड़ी सी पुरानी थी। आई थिंक ये पुरानी थी एक साल पहले, जब ध्रुव स्कूल जाने लगा ना, उससे पहले मैं इसको ट्यूशन पे भेजती थी ना, तब मैं लेके आई थी। बट ये वाली एक ही बोतल रह गई है, तो कभी कभार क्या था ध्रुव स्कूल में भूल जाता है, तो इसी चक्कर में मुझे एक बोतल और लेके आनी पड़ेगी। और यहाँ पे ध्रुव की यूनिफॉर्म भी हो चुकी है प्रेस अच्छे से, और इसका कलर थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा दिख रहा है, बट इसका कलर बहुत अच्छा है। और गाइज, ये वाला जो इसकी ड्रेस का कलर है ना, ये ऐसा ही सेम मेरी ड्रेस का कलर होता था। तो सुबह सुबह का टाइम हो रखा है अभी 8:15, और मैं छोड़ने जा रही हूँ ध्रुव को, और ध्रुव लगा के जाता है ये वाली स्लाइस, बट अभी मेरा मूड नहीं है बच्चे का, मूड नहीं लगा रहा। ये लो, ये नहीं लगानी ध्रुव की यूनिफॉर्म। आज ध्रुव बस कर। तो छोड़ दिया सुबह सुबह। आज है पूर्णिम, तो आज मैंने बाबा जी का रोट लगाया है, 1.25 का रोट लगाया है। तो किसी चीज़ के लिए मैंने बोला हुआ था, और वो चीज़ मेरी मन्नत पूरी हुई है, कुछ हद तक पूरी हुई है, बट वो भी पूरी हो जाएगी। और अभी मैं सोच रही थी चलिए अभी चलते हैं मंदिर में, और आप लोगों के साथ थोड़ा सा लोग भी शेयर करूँगी। देखिए प्रसाद मेरा बन के एकदम अच्छे से रेडी है, तो चलिए चलते हैं। और इस प्रसाद में मेरे को बनाने में 1 घंटा लगा है आराम से, साथ में खीर और चूरमा, ठीक है। और चलिए चलते हैं मंदिर में। जाके धूप छुड़वाएंगे पंडित जी से सारा सामान वगैरह लेके। और ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल पास में ही शॉप है, और भगवान से संगम का है ये मंदिर, और यहाँ पर भी हनुमान जी की पूजा होती है। स्पेशल बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, अलग से होता है ना, जैसे शिव जी भगवान का है, चेतनानंद भगवान जी का है, तो इसके अंदर छोटी छोटा मंदिर है, तो वहीं पर हम जाके अच्छे से पूजा करवाते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए सामान वगैरह हो गया हमारा, और ये देखिए
प्रसाद। भैया ने सुबह डाल दिया। कितने हो गए भैया? ये नारियल कितने का था? 40 का? 100 रुपये। ये लो भैया, थैंक यू भैया। हे गाइस, तो अभी मैं मंदिर से आ गई थी और आने के बाद वहाँ का ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और अभी आने के बाद घर का ही ब्लॉग शूट करी हूँ। और यहाँ पे ये मैं ना पोने होते हैं ना जो नहाते हैं रोटी वाले जो टिफिन में रखते हैं वो वॉश करी हूँ, और साथ में फ्रिज के जो कवर है अंदर लगाए हुए थे तो मैं फ्रिज को भी आज अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है फ्रिज को अच्छे से नहीं किया है साफ। तो गाइज अभी फ्रिज वगैरह अच्छे से हो गया क्लीन और अभी मैं बस बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी क्या किस चीज़ की बन रही है, मैंने साथ में थोड़ा सा पपीता कट कर लिया है जो साथ में मैं पपीता भी खा रही हूँ। और यहाँ पे आज सब्ज़ी बनाई जा रही है भिंडी की, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी और बिल्कुल एकदम अच्छे से फ्रेश भिंडी मिल गई थी, और सुबह सुबह ही आए हुए थे भिंडी वाले भैया तो वो मुझे मिली है 20 रुपये किलो। और साथ में मैंने थोड़े से टमाटर ले लिए, थोड़ी भिंडी ले ली। तो कभी कभार क्या होता है कि आ जाते हैं ना घर के बिल्कुल पास में तो वहाँ से ले लेते हैं और अच्छे से काम भी निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो नहीं जा पाते मंडी वगैरह में, तो मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ।